अगर आपके पास भी 500 और 1000 के नोट हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकार ने इसका विकल्प भी दिया है जिससे आप आसानी से अपने नोटों को बदलवा सकते हैं। इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के तहत 500 और 1000 के नोटों के लेन देन पर मंगलवार देर रात से रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले का आप पर कितना असर होगा और आपको क्या क्या करने की जरूरत है, ये हम आपको बताते हैं। इस संबंध में 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंकों और डाकघरों में जमा कराए जा सकते हैं। इसके बदले में जमा की गई राशि के बराबर ही बैंक या डाकघर भुगतान करेगा। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भी सरकार की ओर से राहत दी गई है। मेडिकल जरूरतों के लिए आप पुराने नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के मध्य रात्रि तक अस्पतालों में पुराने नोट मान्य रहेंगे। इन 72 घंटों तक पेट्रोल पंप, डीजल पंप और सीएनजी स्टेशनों सहित कई जरूरी जगहों पर आप पुराने नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अलावा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान भी कर सकते हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है। और कुछ कारणों से जो लोग 1000 रुपए और 500 के नोट 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा सकेंगे, वे लोग पहचान पत्र दिखाकर 31 मार्च 2017 तक नोट बदलवा सकेंगे। यहां आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने ऐलान के साथ ही आज बैंक बंद रखने और 2 दिनों तक एटीएम के बंद रहने की बात भी कही थी, जिससे मंगलवार रात ही एटीएम और पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ देखने को मिली, लेकिन कई जगहों पर लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा, जिसने लोगों की काफी चिंता बढ़ा दी थी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों में ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी और अगले साल तक 500 और 2000 रुपए के नए नोट लगभग पूरी तरह से मार्केट में उपलब्ध होंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।